वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने संभाला पदभार। राजस्थान पर्यटन विकास निगम चेयरमैन का पदभार उन्होंने संभाला है। मुख्यमंत्री गहलोत खुद खासा कोटी पहुंचे और वहां पर राठौड़ को बधाई दी। धर्मेंद्र राठौड़ के परिजनों के साथ सीएम गहलोत ने खिंचवाई फोटो। पदभार ग्रहण के बाद खासाकोटी में हुआ हाई टी का भी आयोजन। मंत्री शांति धारीवाल, ममता भूपेश, राजेंद्र गुढ़ा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने आज अपना पदभार संभाल लिया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम चेयरमैन का पदभार संभाला है। मुख्यमंत्री गहलोत खुद खासाकोटी पहुंचे और वहां पर पहुंचकर राठौड़ को बधाई दी। धर्मेंद्र राठौड़ के परिजनों के साथ सीएम गहलोत ने फोटो भी खिंचवाई। पदभार ग्रहण के बाद खासाकोटी में हाई टी का आयोजन भी किया गया। मंत्री शांति धारीवाल, ममता भूपेश, राजेंद्र गुढ़ा समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। जब मुख्यमंत्री गहलोत ने ली राजेंद्र राठौड़ पर चुटकी, खासाकोटी में धर्मेंद्र राठौड़ के पदभार ग्रहण के बाद का वाकया है। राजेंद्र राठौड़ पहुंचे थे धर्मेंद्र राठौड़ को बधाई देने खासाकोटी। तब खासाकोटी से निकल रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीएम गहलोत ने 2 मिनट रुककर राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की। सीएम गहलोत ने राठौड़ से कहा, आप थोड़ा लेट हो गए राजेंद्र जी, आपसे बैठकर चर्चा करने में मजा आता। मुलाकात के बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए दोनों नेता। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चुटकी लेते हुए नजर आए राजेंद्र राठौड़ की, खासाकोटी में धर्मेंद्र राठौड़ के पदभार ग्रहण के बाद का ये वाकया है। राजेंद्र राठौड़ पहुंचे थे धर्मेंद्र राठौड़ को बधाई देने खासाकोटी, और तब खासाकोटी से निकल रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो सीएम गहलोत ने 2 मिनट रुककर राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की, और सीएम गहलोत ने राठौड़ से कहा कि आप थोड़ा लेट हो गए राजेंद्र जी, आपसे बैठकर चर्चा करने में मजा आता, और मुलाकात के बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए दोनों नेता। योग्यता और परफॉर्मेंस का पुरस्कार, मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया पुरस्कार। संजय श्रोत्रिय बने आरपीएससी के नए चेयरमैन। 2002 बैच के आईपीएस अफसर हैं संजय, अभी जयपुर रेंज आईजी पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और हाल ही में जसवंत राठी को बनाया गया था कार्यवाहक चेयरमैन, और अब गहलोत ने की आरपीएससी में पूर्णकालिक नियुक्ति। 2.5 महीने बाद आरपीएससी को मिला पूर्णकालिक चेयरमैन। अब आरपीएससी की छवि सुधारने का टास्क संजय के सामने है। तो क्योंकि आरपीएससी की जो छवि बनी हुई है, धूमिल हो रही है, उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मिली है संजय को। योग्यता और परफॉर्मेंस का पुरस्कार भी उनको मिला है। मुख्यमंत्री गहलोत ने पुरस्कार दिया है संजय श्रोत्रिय को, और वो आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। 2002 बैच के आईपीएस अफसर हैं संजय, और अभी जयपुर रेंज आईजी पद की जिम्मेदारी निभा रही हैं। हाल ही में जसवंत राठी को कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया था, और अब गहलोत ने की आरपीएससी में पूर्णकालिक नियुक्ति। 2.5 महीने बाद आरपीएससी को मिला है पूर्णकालिक चेयरमैन, और अब आरपीएससी की छवि सुधारने का टास्क संजय के सामने। मुख्यमंत्री गहलोत की गुड गवर्नेंस, सीएम गहलोत ने कांस्टेबल लाभू सिंह से फोन पर बातचीत की। लाभू सिंह और पुलिस गश्ती दल को कर्तव्य परायणता के लिए शाबाशी दी। सक्रियता के लिए कांस्टेबल एवं पुलिस गश्ती दल की सीएम ने प्रशंसा की, और कहा ऐसी विकृत मानसिकता रखने वाले अन्य लोगों में भी भय पैदा होगा, और ऐसी प्रोएक्टिव पुलिसिंग पूरे देश के लिए एक मिसाल है। राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है, और इसके लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिरोही में बालिका से अश्लील हरकत करते हुए व्यक्ति को दबोचा था, और पुलिस ने अभय कमांड सेंटर में सीसीटीवी में ये घटना देखी थी। ये घटना क्या थी ये हम आपको बता रहे हैं। 4 मिनट में पहुंचकर बच्ची को घटना का शिकार होने से बचा लिया गया था। तो ये घटना हुई थी, और जिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर सूचना पुलिस को दी गई थी वो थे लाभू सिंह, और उनसे सीएम गहलोत ने बातचीत की फोन पर। लाभू सिंह और पुलिस गश्ती दल को कर्तव्य परायणता के लिए शाबाशी दी गई, और सक्रियता के लिए कांस्टेबल एवं पुलिस गश्ती दल की सीएम ने प्रशंसा की, और साथ ही साथ ये भी कहा ऐसी विकृत मानसिकता रखने वाले अन्य लोगों में भी भय पैदा होगा, ऐसी प्रोएक्टिव पुलिसिंग पूरे देश के लिए एक मिसाल है। राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है,
और इसके लिए तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। सिरोही में बालिका से अश्लील हरकत करते हुए व्यक्ति को दबोचा था। पुलिस ने अभय कमांडर सेंटर में सीसीटीवी में ये घटना देखी थी। 4 मिनट में पहुंचकर बच्ची को घटना का शिकार होने से बचा लिया था। प्रदेश में हथियार लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर है। अब सीआईडी जांच के बाद ही मिलेंगे हथियार लाइसेंस। हथियार लाइसेंस लेने के लिए सीआईडी रिपोर्ट जरूरी है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए इस संबंध में आदेश सभी जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। डीजी इंटेलिजेंस ने इसके दिए हैं सीआईडी रिपोर्ट का प्रस्ताव दिया था और सांप्रदायिक कट्टरपंथी व्यक्तियों को लाइसेंस से रोकने का मकसद है, क्योंकि सांप्रदायिकता नहीं फैले, सांप्रदायिक दंगे नहीं फैले, इसको लेकर ये मकसद किया गया है कि हथियार लाइसेंस जो है सीआईडी जांच के बाद ही मिलेंगे। हथियार लाइसेंस लेने के लिए सीआईडी रिपोर्ट जरूरी है। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए इस संबंध में आदेश सभी जिला कलेक्टर, जयपुर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं। डीजी इंटेलिजेंस ने दिया था सीआईडी रिपोर्ट का प्रस्ताव। सांप्रदायिक कट्टरपंथी व्यक्तियों को लाइसेंस से रोकना इसका मकसद है। पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी आज है। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। लिखा, पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम जवाब लेकर रहेंगे। जय हिंद। तो ये लिखा है और साथ ही साथ कहा है, पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया और उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, लिखा कि पुलवामा के शहीदों को हम कभी भुला नहीं सकते। उनका और उनके परिवारों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हम जवाब लेकर रहेंगे। जय हिंद। देश के तीनों डिस्कॉम में आईएमडी की नियुक्ति प्रकरण, अब राज्य सरकार के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। जयपुर डिस्कॉम एमडी का पद करीब एक पखवाड़े से खाली है। वर्कहोलिक टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने से पद खाली हुआ है। आज अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी और जोधपुर एमडी अविनाश सिंघवी का कार्यकाल पूरा हो रहा है और अब सभी डिस्कॉम अभियंताओं के जहन में एक ही सवाल है, क्या मौजूदा अफसरों को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर नए अधिकारियों को दी जाएगी डिस्कॉम की जिम्मेदारी। तो सवाल सबके मन में यही है कि एक्सटेंशन होगा या नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। प्रदेश में तीनों डिस्कॉम में एमडी की नियुक्ति का ये प्रकरण है। अब राज्य सरकार के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। जयपुर डिस्कॉम एमडी का पद करीब एक पखवाड़े से खाली है। वर्कहोलिक टेक्नोक्रेट नवीन अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने से पद खाली हुआ है और आज अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी और जोधपुर एमडी अविनाश सिंघवी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। अब सभी डिस्कॉम अभियंताओं के जहन में एक ही सवाल है कि क्या मौजूदा अफसरों को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर नए अधिकारियों को डिस्कॉम की जिम्मेदारी दी जाएगी। 15वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। कल शाम 5 बजे राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे सीएम गहलोत। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सभी कांग्रेसी विधायकों को जारी किया है व्हिप। कल मुख्यमंत्री के जवाब के समय सदन में मौजूद रहने के लिए यह व्हिप जारी किया गया है। कल मुख्यमंत्री बोलेंगे। 15वीं राजस्थान विधानसभा का ये बजट सत्र, जिसमें अब कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो कल शाम 5 बजे राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का जवाब देंगे सीएम गहलोत और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सभी कांग्रेसी विधायकों को व्हिप जारी कर दिया है। कल मुख्यमंत्री के जवाब के समय सदन में मौजूद रहने के लिए ये व्हिप जारी किया गया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया और कहा कि आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में विकसित किया जाए। आयुर्वेद विश्वविद्यालय विश्व का उत्कृष्ट आयुर्वेद शोध केंद्र बने।
प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों से प्रेरणा लेते हुए विश्वविद्यालय में चिकित्सा के नवीन शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाए। इससे हमारी आयुर्वेद की महान चिकित्सा पद्धति फिर से जीवंत हो सकेगी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का कार्यक्रम हुआ और विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअली संबोधित भी किया। भारतीय रेल के उपक्रम IRCTC के खास पहल, अब 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगा रेलवे। 13 दिन की यात्रा, 12,285 रुपए लगेगा किराया। ट्रेन के श्रद्धालु महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द्वारकाधीश टेम्पल, साबरमती आश्रम, पर्ली, वैजनाथ आदि प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया और उन्होंने कहा कि ट्रेन 4 मार्च को सुबह जयपुर जंक्शन से रवाना होगी। अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, सफदरजंग, गाजियाबाद, लखनऊ होकर जाएगी और पैकेज 12 रात और 13 दिन का होगा। टीके के दोनों डोज लगा होना जरूरी है। यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन, धर्मशाला में रहने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। तो ये रेल शुरू हो रही है और दर्शन करवाएगी ज्योतिर्लिंग के। IRCTC की ये खास पहल है, 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगा रेलवे। 13 दिन की ये यात्रा होगी, 12,285 रुपए किराया होगा। ट्रेन से श्रद्धालु महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर, भीमाशंकर, घृणेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे और इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द्वारकाधीश टेम्पल, साबरमती आश्रम, पर्ली, वैजनाथ आदि प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा भी कर सकेंगे। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया, उन्होंने कहा ट्रेन 4 मार्च को सुबह जयपुर जंक्शन से रवाना होगी। अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, सफदरजंग, गाजियाबाद, लखनऊ होकर जाएगी और पैकेज 12 रात 13 दिन का होगा। टीके की दोनों डोज लगा होना जरूरी है। यात्रा के दौरान नाश्ता, भोजन, धर्मशाला में रहने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश की हवाई सेवाओं पर कोरोना का ग्रहण, कोरोना का जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स के संचालन पर असर नजर आ रहा है। जयपुर से आज भी कम यात्री भार के चलते 22 फ्लाइट्स रद्द हुई। रात 12:40 पर गोवा जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E 768 रद्द हो गई। वहीं सुबह 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 752 रद्द हो गई। सुबह 7:40 पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 5089 रद्द हो गई। तो सुबह 8:30 मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 279 भी रद्द हो गई। सुबह 8:40 पर चंडीगढ़ जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई। तो वहीं 8:50 पर लखनऊ के लिए जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हो गई। सुबह 9:05 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8 703 रद्द हुई। तो सुबह 9:55 पर चेन्नई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 569 रद्द हो गई। सुबह 11:20 पर अहमदाबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8 1703 रद्द हुई। दोपहर में 12:30 पर सिलीगुड़ी जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 4493 रद्द हो गई और दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 7273 भी रद्द हो गई। दोपहर 1:20 पर हैदराबाद जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट G8 506 रद्द हुई है। तो वहीं दोपहर 2:10 पर सूरत जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हुई। शाम को 5:00 उदयपुर जाने वाली फ्लाइट रद्द हो गई। 5:10 पर देहरादून जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई और शाम को 6:10 पर कोलकाता जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हो गई और शाम को 7:50 पर कोलकाता जाने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट रद्द और शाम को 8:25 पर मुंबई जाने वाली एयर एशिया की फ्लाइट रद्द हो गई। 9:05 पर अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो गई। तो ये वो लिस्ट आपको बता रहे हैं जो फ्लाइट्स रद्द हुई हैं कोरोना के कारण, जो प्रभाव है वो नज़र आ रहा है और ये प्रभाव इतना कि लगातार जो फ्लाइट्स हैं उनके रद्द होने का सिलसिला जारी है।